सिद्धार्थ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जान तो तुम क्या कहना चाहते? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, जैसा तुम्हें लगता है सच्चाई वैसी रही है। मुझे सिर्फ एक इशारा चाहिए तुमसे, जस्ट वंस, और मैं सब कुछ बदल दूंगा। I'll change everything, I promise you. क्या चेंज हो जाएगा सिद्धार्थ? मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्या तुम और आन्या रोशनी, सिड आपको मां बुला रही है। मैं आता हूँ आन्या। नीर, सॉरी। हाँ नीर। रागिनी तुम जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ। I need you here, sir. हाँ नील, मैं आई रही थी, बट इज देयर समथिंग इम्पोर्टेंट? बात यहाँ आकर तुम्हें पता चल जाएगी। यू जस्ट कम हियर। ओके, देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट, आई हैव टू गो टू द ऑफिस। जस्ट लिसन टू मी। रोशनी, रोशनी मेरी बात सुनो। रोशनी, मुझे तो उस सिड ने लिफ्ट के अंधेरे में पीटा था, लेकिन मैंने उसे खुले में सबके सामने पिटवाया है। और माँ, जो चोट दिख रही है वो तो कुछ भी नहीं, असली चोट तो वो है जो उसकी ईगो पे लगी होगी, और उसमें बहुत दर्द होने वाला है। और आप देखना, हम दादा एक दो दिन में उस रागिनी को भी नौकरी से निकाल देंगे, फिर कौन बचा जो इस बिजनेस को संभालेगा? मैं, रंजीत। खूब बोलो, खूब बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। है तोर चमन दुगड़ी नी। एटा तो हमारे नंबर वन स्टेप चिलो, लेकिन अब हमें पता करना पड़ेगा कि रागिनी और जामाई बाबू में चक्कर क्या है। ये समझ लो, जिस दिन उनका राज पता चल गया ना, जैकपॉट लग जाएगा। तो जानी ना बाबा, छह दिन को भी आज बे पता चल जाएगा। माँ, वो भी पता चल जाएगा। हाँ, बस देखते जाइए कि रंजीत करता क्या है। आई एम श्योर आप लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं हमारी कंपनी को लेकर, स्पेशली आज जो न्यूज चैनल पे दिखाया गया है उसके बाद। इनफैक्ट इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ताकि मैं मेरी कंपनी मॉव के बारे में और मिस रागिनी देसाई के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर सकूं। वेल, मिस देसाई इज हियर। रागिनी, प्लीज कम, प्लीज टेक योर सीट। सिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रागिनी देसाई हैं, जो ये दूसरी बार प्रेस के सामने आई हैं। ये प्रेस के सामने ज्यादा नहीं आती है, लेकिन बैकड्रॉप में रहकर इन्होंने मॉव के लिए बहुत कुछ किया है। इतना कुछ किया है कि आज हम इस सिचुएशन में हैं कि सारी मीडिया को हमारी कंपनी को लेकर इतना इंटरेस्ट है। ऑल थैंक्स टू रागिनी। थैंक यू एवरीवन। लेकिन हाँ, ये सब आज के इस न्यूज चैनल के स्टोरी के पहले की कहानी है। यू नो, इन आर कंपनी, इन मॉव, हम लोग ब्रांड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ब्रांड को कोई आँच ना आने पाए। इसीलिए मॉव के ओनर और चेयरमैन होने के नाते मैंने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठकर ये फैसला किया है कि अब से रागिनी सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि मॉव में मेरी बराबर की पार्टनर। थैंक यू एवरीवन। और यह खबर उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिन्हें ऐसा लगता है कि ये बेकार की अफवाहें फैलाकर मेरे सबसे अजीज दोस्त को मुझसे छीन लेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि रागिनी ने मेरी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा बनाया है।
और मेरी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, और इन सब के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू रागिनी। फाइनली एक बात कहना चाहता हूं कि मॉफ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और जो लोग पीछे से मॉफ को तोड़ने के फिराक में है उनसे ये कहूंगा कि पीछे से वार मत करो, सामने आने का हौसला रखो। थैंक यू एवरीवन। इन्हें पागल हो गए हैं क्या? हैं? कुछ भी कर रहे हैं? जरूर उस लड़की ने कुछ काला जादू किया होगा। हाँ, अरे देखे तो कैसे फंसा दिया उसको। कोई और घर वाला तो उसको दिखता ही नहीं है। बस की हो अमिता, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रही हो? बोधी सुनो ना, एक कथा सुनो, ये नील किस हक से रागिनी को अपना पार्टनर बना लिया है? बोलो बोलो। अरे इस घर में तो दूसरा बेटा भी है, मेरा रंजीत, वो कौन सा कम काबिल है नील से? बोलो बोलो। लेकिन इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अरे इसका भी तो हक है ना बिजनेस में। क्या बात है मामी, अगर आपको मुझसे कुछ बोलना है तो डायरेक्टली बोलिए, माँ से बोल के क्या फायदा। और रही रागिनी की बात, तो दो रागिनी का हमारे साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो मॉफ के लिए ऐसे काम करती है जैसे कि ये उसकी खुद की कंपनी है। अनलाइक सम पीपल जो ये बात समझते ही नहीं है। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। रागिनी वो पेपर वर्क बाकी है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, तुम वो पेपर्स अरेंज कर देना। कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है। कल सुबह? नील डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी? मतलब हाँ क्यों, मतलब जस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ है, पर वो एक्चुअली मंगवाने पड़ेंगे। हम सॉरी मंगवा लेना, कौन सी बड़ी बात है। अरे कॉफी? केसर चाचू थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप मुझे होटल में मिलिए ना, आई टेल यू। ओके बाय। चाचू अब हम क्या करेंगे? इतनी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अरेंज होंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स तो रोशनी के नाम पे। बेटा एक काम कर, तू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे दे, मैं सुबह तक देखता हूँ कुछ। यू श्योर? हाँ हाँ दे ना। पेस्ट कंट्रोल मैडम, बाथरूम में दवाई डालनी है। दिस वे। थैंक यू मैडम। मैं देती हूँ। You done? Yeah, thank you madam. तू टेंशन मत ले, मैं सब कर लूंगा यार।
रोशनी पटेल। अरे बाबा कि सर्वनाश, ये रागिनी नहीं है क्या? हाँ यार ठीक है, मैं देखता हूँ। प्रॉब्लम भी वही है यार, मेरी सुबह से उससे बात नहीं हुई है। वो होटल में है, मेरे ख्याल वहीं जाके मिलता हूँ मैं उससे। आने आने मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? कट गया मेरा। दिखाइए ये क्या कर लिया आपने? ओह गॉड यार। डैड आप फटाफट गाड़ी निकालिए, मैं इनको लेके आता हूँ। हाँ जी प्लीज। ठीक है। डैम इट। सिर्फ तुझे उस लड़की से मिलने से रोकने के लिए मैं अपनी उंगली तो क्या अपना हाथ भी काट सकती हूँ। चाचू हाय, थैंक यू सो मच चाचू, मुझे मिल गई ये फाइल। थैंक्स अ लॉट। ओके बाय। जो बोलना है बोलो बोलो। आई एम सॉरी रागिनी भाभी, कल जो हुआ उसके लिए मैंने इस बारे में बहुत सोचा। एक्चुअली आपसे ज्यादा डिजर्विंग कोई और है ही नहीं। शुद्धि शुद्धि। इट्स ओके, आई हैव टू गो। हाँ नील। हाँ मैं बस आ रही हूँ। या आई एम लीविंग, डोंट वरी। ऑलराइट बाय। एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, जाओ जाओ मीटिंग में जाओ। हेलो एवरीबॉडी, सॉरी। रंजीत भांडा फूट गया, हम जीत गए रंजीत, हम जीत गए। Just go through this. Clauses ठीक हैं कि नहीं देख लीजिए। क्या माँ, तुम तो बोल रही थी कि बम फूटेगा, ये तो अपने घर में ही धमाका हो गया। जानी बाबा, मैंने तो खुद अपने हाथों से रखा था, ये कैसे हो सकता है? फिर गया कहाँ? Congratulations, gentlemen, our new partner. Miss Ragini Desai. कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है,
अन्ना पेपर्स फिर से चेंज कैसे हो गए? हैं? बोलो। माँ कहीं वो सिड खुराना तो नहीं? पर क्यों? यही तो पता लगाना है माँ। और ये भी पता लगाना है कि ये रोशनी आखिर रागिनी क्यों बनी? तुम चिंता मत करो माँ, दादा बहुत पछताने वाले हैं। नील, I hope तुमने ये जो decision लिया है वो सोच समझ के लिया है। I mean, मतलब I just hope तुम ये decision बाद में regret ना करो। कहीं कल के तमाशे के बाद जल्दबाजी में तुमने ये तो नहीं कर दिया? रागिनी, अगर मुझे किसी बात का regret है तो सिर्फ ये कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं किया। मुझे लगता है अगर मैंने पहले कर दिया होता तो शायद कल जो कुछ भी हुआ वो होता ही नहीं। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे अचानक तुम पर इतना भरोसा हो गया? नहीं, मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा था, तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर, तुम्हारी काबिलियत पर और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पर, बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल। जस्ट टर्न दिस वे। अब लग रही हो ना बिल्कुल फेस ऑफ मॉम, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था, थोड़ी ट्रेडिशनल, थोड़ी मॉडर्न। और अपन रागिनी, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है? आई मीन, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहा हूँ, सो आई नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस। तुम्हें कोई? नॉट एट ऑल नील, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो अच्छी बात है, क्योंकि आई हैव वन मोर सरप्राइज फॉर यू। आई फॉरगॉट एक्चुअली टू टेल यू, वो चाचू को मुझे कॉल करना था, आई हैव टू मीट हिम इन द मॉर्निंग, सो आई जस्ट कॉल एंड कम। रागिनी कम ऑन, फोन बाद में कर लेना तुम, सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू, कम विद मी। अब क्या हुआ? Is everything all right? रोशनी किसर चाचू से मिलने के लिए होटल जा रही है, मैं उससे बात करने के लिए वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है यार। सर लेकिन आप क्यों? क्यों मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर आप इसी तरह रागिनी दी के पीछे भागते रहेंगे तो उन्हें समझ कैसे आएगा कि वो जो कर रही है वो गलत है। सर यू नीड टू गिव अस सम टाइम एंड सम स्पेस। अरे क्या बात कर रही हो यार तुम, सब लोगों में अगर तुम ही इस तरीके से बात करेगी तो कैसे चलेगा यार? तुम्हें सब कुछ पता है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या सिचुएशन है, उसके बाद भी तुम ऐसी बात कर रही हो यार। तुम्हारे परिवार वाले अगर रोशनी को छोड़ेंगे तो उसे फुर्सत मिलेगी ना मुझसे बात करने के लिए? अब अगर उसे मुझसे बात करनी है तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, यू नो एवरीथिंग। मैं जा रहा हूँ होटल। सब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आनिया रोशनी पहुंच गई होगी, लेट्स गो। अरे रागिनी तुम यहाँ? बाय द वे तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आई एम श्योर अच्छी चल रही होंगी, बिकॉज तारीख जो नजदीक आ रही है। और हाँ, यहाँ तो वो आन्या और सिड भी आए हुए हैं, अपना बैंक्वेट हॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स, डेकोरेशन सब कुछ। उसके बाद वो लोग रोमांटिक डिनर के लिए जाने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है। ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग सर। या मॉर्निंग। ये रागिनी जी आई होटल में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, ठीक है, अब चलो। सर। आनिया, आनिया। सर। आनिया। क्या हुआ तुम्हें? I'm okay sir. I think pregnancy की वजह से। आप प्लीज जाकर रागिनी दी से मिलिए, यू नीड टू टॉक टू हर, आई एम ओके। मैं घर जाके रेस्ट करूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे लिए कमरा ढूंढना होगा। मैं रोशनी को ढूंढ लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। जस्ट कम, केयरफुल केयरफुल केयरफुल, संभाल के। जो सिद्धार्थ की मॉम ने कहा वो वही सच है क्या? सिद्धार्थ और आन्या सच में ही दूसरे के साथ है, और मैं यूं ही सब कुछ दांव पे लगाने चली हूं, नील को हर्ट करने जा रही, उस इंसान के लिए जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है।